मुंबई शहर से 10 किलोमीटर के दूरी पर अरब सागर से घिरा हुआ ये खूबसूरत सा एलिफेंटा आइलैंड घूमने के लिए पूरे देश और विदेश से लाखों टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये आइलैंड फेमस है अपने प्राचीन गुफाओं के लिए, यहाँ का प्लेजेंट नेचर, यहाँ का ये प्यारा सनसेट और यहाँ का समंदर और ये क्यूट से मंकीज सभी टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित करते हैं। इस आइलैंड पर कितनी सारी जगहों पर आप घूम सकते हैं, कितना आपको समय लगेगा, कितना आपका खर्चा होगा और यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एलिफेंटा आइलैंड तक जाने के लिए आपको सबसे पहले आपके नजदीकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इस रेलवे स्टेशन तक आना होगा। CSMT रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही आपको ये वाला बस स्टैंड नजर आएगा। इस बस स्टैंड से आप 116 नंबर की बस पकड़कर गेट ऑफ इंडिया तक जा सकते हो। इस बस स्टैंड से आपको गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए हर 10 से 20 मिनट में AC बसेस मिल जाएगी और ये बस आपको ओनली 6 रुपए के टिकट में 10 मिनट का सफर कराते हुए गेटवे ऑफ इंडिया के सामने इस जगह पर उतार देगी। स्टेशन से यहाँ पर पहुँच जाने के बाद गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर आते वक्त आपको ये वाला टिकट काउंटर नजर आएगा। एलिफेंटा आइलैंड तक जाने के लिए आपको यहाँ से टिकट लेना होता है और एलिफेंटा का टिकट है 260 रुपीज पर पर्सन। सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक गेटवे ऑफ इंडिया के सामने से एलिफेंटा जाने के लिए आपको हर 20 से 30 मिनट में बोट सर्विस मिलती है। अगर आपको 260 रुपए का टिकट ज्यादा लग रहा है तो आप 165 वाला टिकट लेकर इकोनॉमी बोट से भी जा सकते हैं, लेकिन इस बोट का टाइमिंग फिक्स नहीं होता और जो टिकट आप यहाँ से लेते हैं उस टिकट को आपको रिटर्न आते वक्त दिखाना होता है, तो आपका टिकट संभाल कर रखना। अगर आप मंडे के दिन यानी कि सोमवार को एलिफेंटा आइलैंड पर आना चाहते हैं तो मत आना, क्योंकि मंडे को एलिफेंटा आइलैंड टूरिस्ट के लिए बंद होता है। फाइनली हमारी बोट गेटवे ऑफ इंडिया से निकल चुकी है और 260 रुपए का टिकट देने के बावजूद अगर आपको इस बोट के ऊपर वाले डेक पर बैठना है तो 10 रुपए का एक्स्ट्रा टिकट देना होता है और इस बोट के ऊपर वाले डेक से पूरा समंदर का आपको बहुत ही खूबसूरत ओपन व्यू नजर आता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का खूबसूरत सफर तय करने के बाद बोट आपको आइलैंड के इस एलिफेंटा जेट्टी पर उतार देगी। फाइनली हमें बोट ने इस एलिफेंटा आइलैंड पर उतार दिया है। एलिफेंटा आइलैंड पर बोट से उतरने के बाद थोड़ा सा आगे चलकर आते ही आप 10 रुपए का टिकट निकालकर इस टॉय ट्रेन के द्वारा एलिफेंटा के मेन गेट तक जा सकते हो। टॉय ट्रेन से उतरने के बाद एलिफेंटा के गुफा तक जाने के लिए आपको लगभग 120 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना होता है और रास्ते से जाते वक्त आपको यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरीज और समंदर के पत्थर से बनाए गए आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग, वुडन वर्क, इस तरह के खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स को देखते हुए आप 20 से 30 मिनट में एलिफेंटा के गुफा के पास में पहुंच जाओगे। एलिफेंटा की गुफा में जाने के लिए आपको पर पर्सन 40 रुपीज और यहाँ के लोकल गवर्नमेंट का 5 रुपीज टैक्स देना होता है। एलिफेंटा के गुफा नंबर 1 में प्रवेश करते ही गुफा के प्रवेश द्वार पर आपको ये ध्यान करते हुए महायोगी शिव जी की प्रतिमा नजर आएगी और द्वार के दूसरी तरफ नृत्य विद्या के देवता के रूप में नटराज शिव जी की ये प्रतिमा नजर आएगी। एलिफेंटा की इन गुफाओं को इस बड़े से पहाड़ को फोड़कर और कार्विंग करते हुए इन गुफाओं का निर्माण किया था और इन गुफाओं की खूबसूरती देखते हुए यूनेस्को ने 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। इस गुफा का मुख्य आकर्षण ये त्रिमूर्ति त्रिशिव है, जिसे भगवान शिव जी का 3 रूप माने जाते हैं और कहा जाता है कि इस मूर्ति को कर्नाटका के राजा के द्वारा बनवाया गया था। त्रिमूर्ति के पास में ही आपको ये सुंदर नक्काशी से और मूर्तियों से सुसज्जित गर्भगृह नजर आएगा। इस गर्भगृह में शिव जी का बहुत ही बड़ा
मोनोलिथिक शिवलिंग स्थापन है। मुख्य गुफा के पास में ही आपको ये और एक छोटी गुफा नजर आती है और इस गुफा में प्रवेश करते ही आपको दो शिव द्वारपाल की ये प्रतिमाएं नजर आती है। इस गुफा के अंतराल भाग में आपको ये छोटा सा मंडप नजर आएगा और इसके अंदर आपको गणेश जी की प्रतिमा नजर आएगी और इस गुफा के गर्भगृह के अंदर शिवलिंग स्थापन है और शिवलिंग के प्रवेश द्वार पर आपको ये सिंह की प्रतिमा नजर आती है। गुफा नंबर एक से मात्र 5 मिनट चलने के बाद आप गुफा नंबर 3 के पास में पहुंच जाओगे और गुफा के अंदर प्रवेश करते ही इन दीवारों पर आपको राष्ट्रकूट कला का प्रभाव दिखाने वाले खंडित अवस्था में ये द्वारपाल नजर आएंगे और इस गुफा का अंदर का हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। एलिफेंटा के इस आइलैंड पर 1400 साल से भी पुरानी टोटल 9 से 10 बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की गुफाएं बनी हुई है और इन गुफाओं में से मात्र 3 गुफाएं देखने लायक है और इन गुफाओं को पुर्तगीज लोगों के द्वारा पूरी तरह से तोड़कर खंडित किया गया और ये गुफाएं हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करती है। और रास्ते से चलते वक्त इन नटखट बंदरों से बचकर रहना क्योंकि ये टूरिस्ट पर अटैक करके उनके हाथ का सामान छीन लेते हैं। एलिफेंटा की गुफा देखने के बाद जब आप गेट से बाहर आते हो वहाँ पर आपको एलिफेंटा का बोर्ड नजर आएगा और वहीं से आपको ऊपर की तरफ कैनन हिल के तरफ आना है। बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं लेकिन ऊपर भी यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एलिफेंटा आइलैंड का सबसे ऊंचा और सबसे खूबसूरत कैनन हिल पॉइंट है और इस पॉइंट तक आने के लिए आपको 20 से 30 सीढ़ियां चढ़कर और खूबसूरत नेचर के बीच में से 10 मिनट का ट्रैकिंग करने के बाद आप इस आइलैंड के पहले पॉइंट पर पहुंच जाते हो। यहाँ पर आते ही आपको ये 1 टन से भी ज्यादा वजन की तोफ नजर आएगी। इस तोफ को पुर्तगीज लोगों के द्वारा एलिफेंटा आइलैंड के सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगवाया था और इस तोफ को आसानी से चारों दिशाओं में घुमाकर दुश्मनों पर फायरिंग की जा सकती है और यहाँ पर आपको ये तोफ का तहखाना नजर आएगा। इसके अंदर इस तोफ का गोला बारूद रखा जाता था और इसके अंदर आप बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि ये बहुत ही पुराना हो चुका है, ये नीचे गिर सकता है। कैनन हिल के पहले पॉइंट से मात्र 5 मिनट चलने के बाद आप इस आइलैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच जाओगे। यहाँ से पुर्तगीज लोग आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखा करते थे और ये वाली तोफ आपको जो नजर आएगी ये इस आइलैंड की सबसे बड़ी तोफ है और यहाँ से आपको एलिफेंटा आइलैंड पर स्थित एक गांव, छोटा सा तालाब और उसके पीछे जेएनपीटी बंदरगाह नजर आता है। एलिफेंटा आइलैंड घूमने के चक्कर में आप ये मत भूल जाना कि यहाँ से आपको वापस जाने के लिए शाम को 5:30 बजे बोट मिलेगी, जो लास्ट बोट यहाँ से जाती है गेट ऑफ इंडिया की तरफ। उसका टाइमिंग है 5:30, तो आपको 5:30 से पहले पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करके यहाँ पर नीचे आ जाना है। मुंबई एलिफेंटा घूमने के लिए आपका बजट, एंट्री टिकट्स वगैरह, बोट का टिकट सारा मिलाकर आप 500 से लेकर 600 तक आराम से एलिफेंटा का टूर कर सकते हैं। और एलिफेंटा आइलैंड पर आने के बाद जो आप गुफा पूरा एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद आप इस कैनन हिल पर जरूर आना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ, यहाँ का नेचर बहुत ही प्लेजेंट है। सो एलिफेंटा के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।